नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चलते हैं एक्सरसाइज 8.6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एट चैप्टर हमारा चल रहा है। आइए इसका फर्स्ट डाउट हमने सोल्व कर लिया था, मैंने एक्सप्लेन किया था और अब सेकंड डाउट पे चलते हैं हम। डाउट है हमारा कि यदि एक गोले सॉरी यदि वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि का योग दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा यदि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर हो, यानी वर्ग की भुजा बराबर 2 गुणा त्रिज्या यानी वृत्त के व्यास के बराबर होनी चाहिए वर्ग की भुजा, तब दोनों के क्षेत्रफल का योगफल सदैव क्या होगा कि न्यूनतम होगा। आइए मैं आगे सोल्व करता हूं सवाल को, जरा देखना। सवाल संख्या 2, मैं यहां पर सवाल में जो जो सिंबल काम में लूंगा उनको डिफाइन करता हूं। माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर वर्ग की भुजा ए है, तो 2πr वृत्त का परिमाप और 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप बराबर k मान लिया, ये भी माना गया कि k कांस्टेंट है, ठीक है। हमें दिया गया कि दोनों का परिमाप हमें दे रखा है, कितना है वो हमें नहीं पता, उसको मैंने k में डाल दिया, k मान लिया। अब यहां से हम यदि वृत्त की त्रिज्या निकालें तो r इज इक्वल आएगा k-4a और बाई 2π, ये आ गई त्रिज्या की मान। हमें कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का जो योगफल है वो न्यूनतम होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि यदि दोनों के क्षेत्रफलों का योग ए है तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, तो a बराबर पाई पड़ा है, r का वैल्यू ये रहा, तो k माइनस 4a बाई 2π का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा है। इसको हम चाहे तो थोड़ा सोल्व कर सकते हैं और जैसा पढ़ा है वैसा पढ़ी पढ़ा रहने दे सकते हैं। तो आप देखिए क्या आ रहे हैं, यहाँ पर एक स्टेप सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको। मैं होल स्क्वायर है तो ऊपर वाले को सोल्व नहीं करूँगा, पर इस पर होल स्क्वायर लगाऊंगा तो 4π स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आएगा 1/4π ब्रेसिस के माइनस 4a का होल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, ओके। अब इसका a के सापेक्ष, दोनों पक्षों में a के सापेक्ष ही फलन पड़ा है इसलिए a के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहां लिखूंगा मैं dA बाई डी स्मॉल a लिखना पड़ेगा, बाई डी ना, क्योंकि a के टर्म में मैंने डिफाइन कर रखा था, इसमें लिखूंगा मैं, तो ये भी a हो गया, ओके। इज इक्वल 1/4π और इसको सोल्व करेंगे तो 2 ब्रेसिस k माइनस 4a और प्लस 2a, ओके। अब नेक्स्ट पे देखिए, यहां ले चलता हूं आपको, इसे चाहो तो समीकरण संख्या 1 दे सकते हो आप या एक स्टेप सोल्व कर दे, फिर देखिए बी ए इज इक्वल 1/2π और ब्रेस इज के माइनस 4a प्लस 2a, इसको हमने समीकरण संख्या 1 नाम दे दिया, ओके। अब इसका a के सापेक्ष पुनः अवकलन करें, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करने के लिए डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पुनः अवकलन करने पर ये आएगा d स्क्वायर a
बाई डी ए स्क्वायर इज इक्वल 1/2 पाई, तो इसका कोफिशियंट था इसका हो जाएगा -4, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट इसलिए 0 हो गया, -4 गुणांक है वो पड़ा रहेगा, ए का क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो गया अपने पास में 2 आ जाएगा। ओके, इसको रिजल्टेंट में अपन कन्वर्ट करें तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो -2/π हो गया और ये +2 ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा है। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, पूरी वैल्यू है जो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू कैसे सोल्व करूँ, इसमें ए तो बचा ही नहीं तो ए का वैल्यू रखने का काम ही नहीं आएगा, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, गौर करें आप, DA² और ये 2π हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2π, 2π -2, तो 2π का वैल्यू जो आएगा वो 3.14 माने या 22/7 माने तो भी 2 से तो बड़ा ही आएगा, जो 3.1 का डिवाइस करें 6.28 हो जाएगा, वो भी 2 माइनस होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 2π -2 और बाई पाई, है ना, ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा 0 से, यानी अर्थात आप लिख सकते हो थोड़ा सा इसको, अर्थात DA² वो जो खुद है वो बड़ा है 0 से। ठीक है, यहां भी हो गया, ये भी होगा निकल। ओके, जब बड़ा है 0 से तो क्षेत्रफल क्या होगा, न्यूनतम होगा, यानी A का वैल्यू क्या आएगा, न्यूनतम। A क्या है, दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल, और इट मीन्स दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल क्या रहेगा, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। अब आगे बात करता हूं, समीकरण फलन के चर मान हेतु प्रथम अवकलज का मान 0 होना चाहिए, फलन के चरम मान के लिए, फलन के चरम मान के लिए DA / DA इज इक्वल 0 है, यहाँ लिख देता हूँ जगह पढ़िए, तो यह आया 1/2 पाई ब्रैस इज K-4A, 4A+2A इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास जो बनी वो ये आएगी कि K-4A+4πA इज इक्वल टू 0। मैंने इसका लघुत्तम ले लिया, वो 2π आया, तो ये सेम टू हो जाएगा 2π। अब वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो हमारे पास जो A का वैल्यू आएगा, K का वैल्यू तो आया हमारे पास में 4A-4πA, और यहां से आप चाहो तो 4A कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा हमारे पास में 1-π आया, कितना है 1-π, A का वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट हम ये बात करते हैं A की वैल्यू की, तो जरा हम एक बार DA थोड़ा सा मेरे को चेक करना चाहिए ना, DA कुछ गड़बड़ हो गया, तो ए ये था ये था, अच्छा डीए में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत थी, जो अपन ने माइनस इस 4A का डेरिवेटिव -4 * में नहीं लगाया था, वो हमने वापस लगा दिया यहाँ पर देखो, और वो अपन इसको चेक कर लेते हैं, और इसको जब हमने सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई DA/dA की, वो ये आ गई, तो मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ एक बार के लिए, ये वैल्यू हो गई 2 कैंसिल हो गया, तो -K+4A+πA, और इसका दूसरी दफा हमने जब अवकलन किया तो ये हो गया हमारे पास में ओनली 4+π हो गया, और वो रहेगा 4+π 0 से बड़ा है, बस इतना सा वैल्यू है, ये तो 0 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 0 है, ये तो इक्वल नहीं लगाना है, ये ओके ग्रेटर देन इक्वल 0 है, और फलन का जब हम चरम मान निकाला तो चरम मान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर रखना था, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया -K और +4A और +2π,
पाई ए। तो यहां से जब हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू आएगा के बाई पाई प्लस फोर या फोर प्लस पाई, ये वैल्यू आएगी ए। ओके, बाकी सारी बात मैंने आपको बता रखी है, मिनिमम मैक्सिमम इतना सारा काम बता रखा है, जरा देख लें। यहाँ पर आपने ए का वैल्यू निकाल लिया, ए का वैल्यू आप जब ले जाकर यहाँ रखोगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। आर और ए में आप रिलेशन मेंटेन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्लस ये बढ़ाया गया इसलिए लिख दोगे ए इज इक्वल के बाई पाई प्लस फोर के लिए दोनों वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का योग न्यूनतम आएगा। ये होगा हमारा सेकंड सवाल, फटाफट देखिए इसको यूज करता हूँ मैं, देख लिया होगा आपने। और थर्ड पे आइए, डाउट नंबर थर्ड। वो ये कह रहा है कि एक गोले में एक शंकु बनाया गया है, थोड़ा सा स्पीड बनाऊंगा मैं, काफी स्लो चल रहा था बस काम। एक गोले के अंदर एक शंकु बनाया गया है और हमें यह सिद्ध करना है कि शंकु का जो आयतन वो मैक्सिमम होगा कब होगा, कि जब शंकु की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की दो तिहाई होती है। देखता हूँ ये लिखा गया है, हाँ गोले की व्यास की दो तिहाई होती है, शंकु की ऊंचाई जब व्यास की दो तिहाई होती है तब शंकु का आयतन उच्चतम होता है। आइए देखो, मैं इसके अंदर एक शंकु बनाता हूं और अपनी तरह से काम करेंगे, जरूरी नहीं कुछ क्या लिखा है क्या नहीं है, वो अपनी तरह से मेंटेन करो, बहुत मजा आएगा काम करने में। ये लो थोड़ा सा इसको राउंड अप करते हैं। ओके भाई, यस ओके, ये इसका आधार का व्यास होगा शंकु का, और ये मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक लाता हूँ, ये ओके। और बहुत इजी कोई अपन काम करते हैं, ये इसका केंद्र है, इसका गोले का, और ये गोले की त्रिज्या है, इसको मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ। ये गोला कॉन्स्टेंट है इसलिए ये भी कॉन्स्टेंट होगी, ये 90 एंगल है। मैं इस इतने पार्ट को यहाँ से इसको डी नाम देता हूँ, इसको ए नाम देता हूँ, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, और ये डी है, और ओ डी को मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स। आइए अब आगे काम करते हैं फटाफट से। थर्ड डाउट है, मैं भाषा लिखता हूं, माना आर त्रिज्या के गोले में, आर त्रिज्या के गोले में एक शंकु ए बी सी इस प्रकार है कि ओ बी बराबर कैपिटल आर और ओ डी बराबर एक्स, ये दोनों ही हमने माना है, और तब शंकु की त्रिज्या ये स्मॉल आर कह दो उसको, और इसको हमने बी डी भी कह रखा है, वो आएगी ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर का अंडर। देख लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आधार है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसकी शंकु की त्रिज्या है। आगे बढ़ता हूँ, इसको एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। आर इज इक्वल ओ बी है कैपिटल आर स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, फिर हम निकालते हैं शंकु की ऊंचाई, क्योंकि आयतन को हमें उच्चतम करना है, तो आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमें त्रिज्या भी चाहिए ऊंचाई भी चाहिए, शंकु की ऊंचाई। ये लो स्क्वायर से लिख देता हूं, तो ऊंचाई आ गई ये ओ ए प्लस ओ डी के बराबर आ गई, यस। और ओ ए तो त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है, तो ओ ए भी त्रिज्या है, तो ये तो कैपिटल आर होगी, और ओ डी मैंने एक्स मान ही रखी है, तो ऊंचाई आ गई थी। अब हमें चाहिए शंकु का आयतन, उसको हमें उच्चतम सिद्ध करना है, शंकु का आयतन। सभी लोग गौर से देखें, V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ओके, ये V हो गया,
वन बाई थ्री हो गया, पाई हो गया, आर त्रिज्या ये पड़ी, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट का निशान हट जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एच पड़ा था आर प्लस एक्स। ओके अब देखे ना, यहां लिखूंगा कि एक्स के सापेक्ष आर तो यहां पर कॉन्स्टेंट है क्योंकि गोला दिया गया है, दिए गए गोले में तो जो दिया जाता है वो तो कॉन्स्टेंट है और जो फ्लेक्सिबल है वो चेंज होगा, तो एक्स फ्लेक्सिबल है कि जैसे जैसे इसकी त्रिज्या, जैसे मान लो आधार को यहाँ ले आया तो आधार बढ़ गया पर ऊंचाई कम हो गई ना, तो आधार बढ़ेगा मतलब व्यास या त्रिज्या भी कम ज़्यादा होगी और हाइट भी कम ज़्यादा होगी। तो यहाँ वेरिएबल है एक्स, तो एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का आकलन करने पर ये इसकी लैंग्वेज यहाँ हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट सब डी वी बाई डी एक्स हो गया और इज इक्वल वन बाई थ्री पाई, इसका मैं कोफिशिएंट मान लेता हूँ, ये फर्स्ट टर्म मानता हूँ तो ये फर्स्ट अपनी जगह स्टेबल है, इसका करेंगे तो वन हो जाएगा और प्लस दूसरी बार ये अपनी जगह स्टेबल है, इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का टू एक्स। डेरिवेटिव लेना सबको आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे आ जाइए इधर, इसको एक बार सोल्व करता हूँ, डी वी बाई डी एक्स है इज इक्वल ये वन बाई थ्री यहाँ पर कोफिशिएंट के रूप में पड़ा है, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसको सोल्व करूंगा तो आएगा माइनस टू आर एक्स और माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस टू आर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं, ये से इंटू माइनस टू आर एक्स और माइनस टू एक्स स्क्वायर और थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया और आर स्क्वायर एक पड़ा था। ओके ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, साथ ही कर लेते हैं एक्स सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, ये भाषा बार बार लिखूँ नहीं मैं तो आप लिख देंगे पूरी, और यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल वन बाई थ्री पाई और ब्रैसिस, यहाँ पर इसका फिर से डेरिवेटिव बताते तो कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, इसका आएगा माइनस टू आर और इसका आएगा माइनस का सिक्स एक्स, दोनों ही क्या है नेगेटिव है, तो रिजल्ट क्या है माइनस वन बाई थ्री पाई ब्रैसिस, और चलो ऐसे टू कॉमन नहीं ले तो ले लो, टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया अपने पास में आर माइनस थ्री एक्स, आर प्लस थ्री एक्स सॉरी, और दोनों ही क्या है नेगेटिव है तो जीरो से बड़े होंगे छोटे होंगे, लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो आएगा तो क्या आएगा मैक्सिमम होगा, कौन वॉल्यूम। अब आप कहेंगे चूंकि फलन के चरम मान के लिए, फलन के चरम मान के लिए स्टूडेंट्स जरा देखिए क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर काम करने की, ये हो गया वन बाई थ्री और पाई हो गया और आर स्क्वायर माइनस टू आर एक्स हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू जीरो में चली जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस टू आर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर हो जाएंगे और वो हो जाएंगे आर स्क्वायर माइनस थ्री आर एक्स प्लस वन आर एक्स और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से कॉमन आएगा आर बचेगा आर माइनस थ्री एक्स और प्लस यहाँ से कॉमन आएगा एक्स आर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया और यहाँ पर दो फैक्टर हो गई तो आर माइनस थ्री एक्स हो गया और एक हो गया सॉरी आर और आर प्लस एक्स हो गया सॉरी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पर या तो जो होता है उस तरह से थ्री सॉरी आर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो आर इज इक्वल थ्री एक्स हो गया और या फिर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो आर इज इक्वल माइनस एक्स, ये तो इम्पॉसिबल है यानी यहाँ लिखना असंभव हल है, ऐसा तो हल होगा ही नहीं, असंभव हल है तो इसको यूज नहीं करेंगे, ये वैल्यू यूज करेंगे, इतना काम मैंने कर दिया, बाकी जो बचा हुआ काम है वो आप करेंगे, क्या करना है कुछ खास नहीं करना, आगे आर का वैल्यू है उठाना है, डबल डेरिवेटिव तो आर का वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, रीजन क्या है कि ये वैल्यू क्या आ रहा है ऑलरेडी कंप्लीट इसके पूरे के पहले माइनस आ रहा है छोटा है जीरो से, रखने की जरूरत ही नहीं है, रखने चाहो तसल्ली के लिए रख सकते हो, आर इक्वल थ्री एक्स है तो थ्री एक्स और थ्री सिक्स हो गया, सिक्स एक्स भी किसका रहा माइनस का ही तो रहा ना, छोटा है जीरो से, तो लिख देना आर इज इक्वल थ्री एक्स के लिए शंकु का आयतन उच्चतम है, आर इज इक्वल थ्री एक्स के लिए शंकु का आयतन उच्चतम है, ये आर क्या है, आर क्या है गोले की त्रिज्या है, तो उसको आप डबल करोगे तो यहाँ पर
व्यास निकालोगे तो व्यास क्या आएगा, डबल करोगे इसको तो ये क्या आएगा, इसको डबल करोगे तो ये क्या 6 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो मैं आपको इसकी वैल्यू आगे सॉरी सारा काम हो गया, लास्ट में एक पॉइंट बचा, फटाफट कर लें उसको। क्या करना है कि हमें शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में रिलेशन लाना है। तो शंकु की ऊंचाई क्या थी, h इक्वल थी r प्लस x, r तो 3x है, r का 3x है, तो यहाँ पर x का वैल्यू r बाई 3 आएगा, r प्लस r बाई 3, r प्लस r बाई 3, तो ये अपने पास में आ गया 3r प्लस r एन 4r बाई 3, 4r बाई 3, ये क्या है ऊंचाई है, 4r क्या है, 4r बाई 3, यूँ आएगा कैसे, 4, 4r, r त्रिज्या बाय 3 आएगा, इसको 2 बाई 3 ले लें और इसको 2r कर दें, तो 2r कर दे क्या बनेगा, व्यास हो गया, किसका व्यास, गोले के व्यास का 2 दिया, ये कौन, शंकु की ऊंचाई। तब क्या होता है, शंकु का आयतन उच्चतम होता है। स्टूडेंट बोर्ड में पूरा देख लें एक बार, मैंने सवाल किया है, थर्ड इरेज करता हूँ, थोड़ी स्पीड बनाते हैं अपन काम करने की। सवाल संख्या, हम सीधा ले चलते हैं, देखिए फटाक से, सवाल संख्या 4। भाई स्टूडेंट्स, मैं सवाल संख्या 4 पे अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट, किसी नदी में स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन का समानुपाती है। यदि जलधारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तब सिद्ध कीजिए कि स्टीमर की जलधारा के विपरीत दिशा में चलने में उसकी अधिकतम वितरित चाल, यहाँ 2/3 x किलोमीटर है, तो करेक्शन कर लें, 2/3 की जगह 3/2x कर लें, करेक्शन है अपने छोटे सवाल में, 2/3x की जगह 3/2x कर लें। आइए बात करते हैं आगे। मैं माना माना स्टीमर की चाल, सही वर्ड था, एक मिनट में, स्टीमर क्या होता है, देखा होगा आपने कि पानी में बोट वगैरह चलती है तो स्टीम पीछे फेंकता है, तो वो बोट तेज से आगे बढ़ता है, जितनी गति ज़्यादा होगी स्टीमर की जो रेस बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा वो फ्यूल खर्च करेगा, और फ्यूल खर्च उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, धीरे धीरे चल रहा है फ्यूल कम खर्च हो रहा है तो उसका फ्यूल खर्च होने की जो एवरेज है उसकी वेग के घन के समानुपाती, ऐसा बता दिया। तो माना स्टीमर का वेग u है, u किलोमीटर प्रति घंटा ये है, ठीक है, आई समझ में थी, और तथा किसी समय में तय की गई दूरी s है, ओके, आप देखना कि क्या चल रहा है। हमें दिया गया है कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार हमें जलधारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो जलधारा के विपरीत स्टीमर की चाल स्ट्रेंथ थोड़ा समझाऊंगा इस बात को मैं, वो आएगी यू माइनस एक्स। जैसे आप अपनी नॉर्मल स्पीड से पानी में चल रहे हो, स्थिर पानी चल रहे हो, यदि उधर से पानी का बहाव आता है, यदि धारा आती है, पानी इधर बहता हुआ आता है, फिर आप उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हो, तब क्या होता है बता आपको, ये पानी आपको धक्का मारता है, तो आपकी ताकत और पानी की ताकत बराबर है, तो आप खड़े रहोगे, पानी की ताकत ज़्यादा है आपसे, आप बह जाओगे, यदि आपकी ताकत ज़्यादा पानी को चीरते हुए आगे बढ़ जाओगे,
तो आपकी जो आपका वेग है उसमें से पानी का वेग कम होने के बाद जो बचेगा वो आपकी औसतन गति कहलाएगी, औसतन आपकी चाल कहलाएगी। तो आइए, पानी के जलधारा के विपरीत स्विमर की चाल ये होगी। अब आता है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय की उसने, एस की। चाल कितनी है, यू माइनस एक्स, यू माइनस एक्स। इतना समय आ गया, इतने घंटे समय लगा। अब आता है आप क्या लिखोगे, तब तब स्टीमर का कुल वेग कितना खर्चा लगा। कुल वेग को क्या मानोगे, एस मान लो क्या, चलो एस मान लिया, एस एस मान रखा पहले से, तो क्या माना जाए, एस्टिमेट मान, ई मान लेते, ई इज इक्वल, ये हो गया के और यू क्यू। ये कैसे है, उसने कहा कि उसकी गति के घन के समानुपाती है, समानुपाती है, निशान हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लाओगे, तो मैंने के ले आया हूं, जहां के एक अचर है, कांस्टेंट है। आप देखो यहां पर यू, ये तो आ गया स्टीमर का कुल वेग, नहीं आया ये तो आया प्रति घंटा वेग का, प्रति घंटा वेग आया। आप निकालेंगे, आता है स्टीमर का कुल वेग, एक घंटे का वेग है, हम कुल वेग निकालेंगे, इसको नहीं लिखो, कुल वेग को इसे लिख देते हैं। वो कुल वेग क्या आएगा, कुल वेग आएगा प्रति घंटे का जो वेग आता है उसको किससे गुणा कर देंगे, हम टाइम से गुणा कर देंगे, तो के यू क्यू और इनटू ये था एस अपॉन यू माइनस बी, सो एक्स। अब इसका ध्यान दीजिए, एक्स के यू है, यू है एक्स है, एक्स तो क्या जलधारा की चाल है, वो फिक्स है, चेंज कौन होगी, स्टीमर की चाल। तो यू के सापेक्ष, यू के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यहां कर रहा हूं डी ई अपॉन डी यू इज इक्वल अंश बटे हर लगेगा, तो के तो कॉन्स्टेंट बाहर पड़ा रहेगा, एस भी पड़ा रहेगा, यहां आएगा हर गुणा अंश का अवकलज थ्री यू स्क्वायर माइनस अंश गुणा हर का अवकलज माइनस एक हो गया, और ये आ गया अपने पास में वैल्यू, सॉरी प्लस एक हो गया, प्लस एक हो गया अपॉन यू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसको आप सोल्व करना चाहो सोल्व कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर ये रहा डी ई बाई डी यू, और ये हो गया अपने पास में के एस, और यहाँ वैल्यू बनेगी, वो बनेगी अपने पास में थ्री यू क्यू माइनस थ्री यू स्क्वायर एक्स, और ये हो गया माइनस यू स्क्वायर बाई यू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लो स्टूडेंट, ये स्क्वायर स्क्वायर ये बन गया। ओके, ये हमारा यहाँ से यू स्क्वायर आता है, कॉमन भी ले सकते हो, बड़ा कोई दिक्कत नहीं, ये जैसे अपने पास में पढ़ा है ऐसा भी। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, ये अपने पास आ गया ये वैल्यू, ये एक बार वापस से कर लेते हैं, डी यू हो गया, इसका हो गया, ये अंश बटा हर हो गया, ये बाहर आ गया, ये अंश है, ये हर है, ये अच्छा, ये तीन पावर थी, सॉरी यहाँ पर तीन पावर वापस लग गई, यहाँ भी तीन पावर रहेगी, ये इसमें से घट जाएगा, तो रिजल्ट में जो वैल्यू बचेगी वो आपको यहाँ लिखता हूँ मैं, डी ई बाई डी यू इज इक्वल के और एस तो बाहर आ गया, और यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन आ जाए, तो यहाँ बचेगा 2u और माइनस 3x बाई यू माइनस एक्स का होल स्क्वायर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब लगे हाथ इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं ताकि काम निपटे, ये आ गया अपने पास में u के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, थोड़ा सा स्पीड वापस बढ़ाता हूँ मैं, ये रहा du स्क्वायर, ये स्टूडेंट इज इक्वल हमारे पास में k और s पड़ा रहेगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे, मैं बार बार से करके बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है डेरिवेटिव आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी इसकी वो हमारे पास
पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगी, कौन एस्टिमेट जो इसका खर्चा है वो लागत है वो न्यूनतम हो जाएगी, यानी नेगेटिव होगा इसका वैल्यू आएगा। आपको यदि है इच्छा तो मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये 2v³ है तो ये 6u हो जाएगा स्क्वायर, और ये अपने पास में हो जाएगा स्क्वायर है तो ये अपने पास में 6u और x हो गया, और बाई अपने पास में u माइनस एक्स का होल और स्क्वायर है ये लो वैल्यू। अब स्टूडेंट देखनी बात यहाँ पर है कि हम जब फलन के चरम मान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव में भाषा नहीं लिखना, भाषा को पता है du और dx को जीरो के बराबर रखेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2u इज इक्वल 3x और u इज इक्वल आएगी 3/2x। देखना एक बार बोर्ड पे, तो u का वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे ठीक है, या फिर यहाँ से x का वैल्यू पुट कर दो जो आपको अच्छा लगे उसका वैल्यू पुट करो। u का वैल्यू आप पुट करोगे तो u का वैल्यू यहाँ पुट करने पे आएगा अपने पास में 9x, और यहाँ पर जो u का वैल्यू पुट करोगे आप तो ये आएगा अपने पास में 9 और 9 इज 54/27, तो पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होगा और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होगा, यानी इसका वैल्यू ऐसे आएगा जो आंसर आएगा उसको पुट करने पर वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इसलिए ये आप करेंगे इतना काम मैंने आपको बता दिया, इसको डबल डेरिवेटिव करके वैल्यू रख के पॉजिटिव आ लाने का आपका है, और ये यू का वैल्यू 3/2x आ गया। तो लिख देंगे जब जब स्टीमर की चाल धारा की चाल की 2/3 गुना होती है तब स्टीमर का खर्चा, स्टीमर की जो न्यूनतम लागत है वो खर्चा वो सबसे कम आता है। तो स्टूडेंट ये अपना सवाल था, ये सवाल संख्या 3 हो गए, सॉरी ये सवाल संख्या 4 हो गया। तो ये 8.6 के मैंने आपको 4 सवाल बताए हैं, अच्छी तरह देखें बोर्ड पे समझें सवाल हल करें और फिर कॉपी में करें, तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।